नायिका की लिपशेड लगा के और पिंक वाला सूट पहन के और वो दुपट्टा जो सबने डाला है, मम्मी ने शादी में डाला, बग्गी के है ना, दीदी ने भी डाला, झूठी अंका ने भी डाला, वो चंडीगढ़ से आया था दुपट्टा, और बहुत सारी बातें और कुछ लोगों के ऐसे इल्ज़ाम और कुछ लोगों की खुराफातें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में आपने वीडियो देख ही लिया होगा, अंकुश अग्निहोत्री का दोबारा वीडियो आ चुका है, जिस वीडियो में YouTube ने गाइडलाइंस ब्रेक करने की वजह से रिमूव कर दिया था। तो वो वीडियो उन्होंने दोबारा कुछ चीज़ें कट करके अपलोड कर दिया है ताकि कुछ लोग उनकी चीज़ों से रूबरू हो सकें, जो नए लोग जुड़े हैं उन चीज़ों को समझ सकें। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे मार्मिक शब्द, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और जो लोग बहुत पहले से देखते हैं, आए हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उनका दर्द, पीड़ा और जो जो चीज़ें हुई हैं। हाँ, कानून, तो उस कानून का तो हम सबको पता ही है कि भाई 95% से ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं, 5% सिर्फ सही यूज़ करते हैं। खैर, अगर हम बात करें दुपट्टा की, तो हमारी दुपट्टा की चूड़ा वाली भाई साहब, रंगा रंग जो कार्यक्रम था है ना, उसका आयोजन किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था चूड़ा वाला, ये लगभग हमारी जिज्जी के, वैसे आज बग्गी हो सकता है निकल भी चुकी हो, रात में उसको मेहंदी लगवाना था, दूसरे दिन शायद जाना था। तो मैं भी हमारी जिज्जी इसमें इंतज़ार करके, रिसीव करके ले आई हो घर, या फिर भाई वेलकम कर रही हो, कुछ वेलकम अच्छे तरीके से होगा, स्वैग से होगा स्वागत बग्गा बग्गी का, घर की दुल्हन का। दुल्हन मेहंदी वेहंदी लगाए के जाएगी, अब आज जाएगी कल जाएगी, जो भी है, क्योंकि मेहंदी लगवाने का मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही जाना। बहुत सारी बातें, टाइटल था चूड़ा चेंज सेरेमनी और पंजाबी रिचुअल्स दीप आंचल ब्लॉक्स। तो भाई ये इनका टाइटल था, और टाइटल के बाद अगर हम शुरू करें ये रंगारंग कार्यक्रम, तो अपनी बेडशीट से शुरू करती है कहानी, और उसके बाद जब तैयार वायर होके बैठती है तो बोलती है कि भाई सारा कुछ काम काज हो गया है, और ऊपर से दीदी जी ने बुलावा भी कर दिया है, पूरा सेटअप दीदी जी ने तैयार किया है, तो अब मैं जाती हूँ। लेकिन जब वो पहुँचती है तो दीदी जी हमारी नहाने के लिए घुसी थी वॉशरूम में, अपना सूट उट बाहर निकाल के गई थी, अपनी चूड़ी उड़ी बाहर रख के गई थी कि अब मैं जाके थोड़ा नहा धोआऊँ ताकि मैं इसमें जो है शरीक हो सकूं अच्छे से तैयार होके। और हमारी दीदी तैयार भी हुई थी बहुत अच्छे से, मतलब सज संवर के टॉप्स वॉप्स पहन के आई थी बड़े बड़े। फिर उसके बाद शुरू होता है प्रोग्राम, हालांकि जब जीन्स उन्स और दीदी ने एक जो टॉप दिया क्रॉप टॉप, उसको दिखाते वक्त बग्गी ने कबूल कर लिया था कि सुबह हमें ना फाइनली निकलना है पटना के लिए, तो इसको मैं ज़रूर रख लेती हूँ सबसे पहले इधर, क्योंकि क्रॉप टॉप और जीन डाल के हमारी दीदी के घर जाएगी, मतलब कहाँ लगेंगे भाई, ननद और नंदोई के घर जाएंगी हमारी बग्गी रानी। तो वो पहले रख लिया, और बाकी भाई वो जो झुमके थे वो शायद मम्मी जी ने यही वाले दिलवाए थे गोल्ड का, मम्मी ने दिलवाया दुपट्टा को गोल्ड, ऐसा जब बग्गी ने टाइटल डाला था, या फिर इसके मायके के साइड के हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें बग्गी कर रही थी कि ये मछली जैसे हैं, ऐसा है वैसा है फलना ढिमका। और दीदी ने बोला है कि मैं तेरे हाथों में ऐसी मेहंदी लगा दूंगी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, तो अगर दीदी को टाइम मिलेगा तो दीदी मेहंदी लगाएंगी, अदरवाइज बग्गी ने डिसाइड कर रखा है कि वो गोला बना लेगी, और वो देखने को तुम्हें शाम तक मिल सकता है अगर आज वो वीडियो डालें, नहीं तो अब आपको कल ही मिलेगा, क्योंकि आज इसी में व्यूज़ बढ़ाने हैं। अब इतना ज़्यादा सेटअप सेटअप किया गया, बग्गी ने इतना इंतज़ार किया क्योंकि दीदी भाई अंदर नहाए नहुई रही थी, तब तक इधर उधर के नज़ारे, इधर उधर की बातें उसने बताई। हालांकि चूड़ा को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी, कल भी दीदी मान नहीं रही थी कि जो मैंने दिलवाए ऐसे तेरे पास नहीं थे, हालांकि बग्गी बार बार बोल रही थी कि दीदी शादी वाला टाइम मुझे याद आ गया, क्योंकि तब भी मैंने ऐसे ही अपने जो है चूड़े पहने हुए थे। लेकिन दीदी कहती नहीं, वो कुछ अलग डिज़ाइन के थे, मैंने तो कुछ अलग दिया है ना। तो अब पता नहीं जी कि वो वाला और ये वाले में क्या डिफरेंस है, हालांकि बाद में हमारे बग्गी ने माना नहीं, वो रील दिखा ही दिया कि ये उस टाइम का है जब शादी के टाइम हमने
ये रील उस टाइम की है जब ये चूड़ा चेंज किया था या चूड़ा पहना था, क्योंकि दीदी मान नहीं रही थी, हमार बग्गी ऐसे कैसे मान जाए कि तुम ही ने दिलाया 2900 रुपये वाला। हालांकि बग्गी ने बोला कि मैं अभी दीदी को गूगल पे या फ़ोन पे करूँगी शगुन के रूप में। तो अब बताओ भाई, बग्गी शगुन किस चीज़ का दे रही थी, चूड़ा पहनाने का या फिर चूड़ा का, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया, या फिर जो दुपट्टा उसने ओढ़ा था, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं है। अगर आपको आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये शगुन किस चीज़ का था, क्या पैसे दिए जाते हैं, मैं भी इस रस्म में दिए जाती हूँ। वैसे आधे से ज़्यादा ऑडियंस परेशान है। एक लिख किसी ने लिखा कि भाई साहब ई का है, मतलब ये का कितने दिन तक चलने वाला इस कार्यक्रम है, कब तक ये सब ऐसे चलता रहेगा, कितनी बार ये आप बदलेंगी बहन सेरेमनी, बताइए कब तक चलता ही रहेगा। तो किसी ने मजाक मजाक में लिखा, जब तक दोनों का डाइवोर्स नहीं कर लेते तब तक। आई थिंक ये कमेंट बहुत ही वाहियात है। भगवान न करे कभी किसी का भी डाइवोर्स हो, इस प्रकार की घटिया बात चाहे किसी सब्सक्राइबर के द्वारा, ट्रू वाले या फिर किसी भी सपोर्टर्स के द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप जिसके बारे में भी बोल रहे हैं, बग्गी बग्गा के बारे में भी बोल रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को सोच समझ के लिखा करिए, बोला करिए, लिखा ही मत करिए यार। ये कौन सी अच्छी चीज़ है कि किसी का घर टूट जाए। हालांकि कुछ हरकतें लोग नहीं सुधारते हैं तो मजबूरन आखिरी रास्ता यही होता है, क्योंकि उनको लगता है हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं कर सकता सामने वाला, सामने वालों को लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं झुकूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और तब समस्याएं ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती हैं जब इसमें बाकी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बार हस्बैंड वाइफ का ये मैटर हो तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक टाइम तक के लिए जो टाइम टेबल होता है उसके अंतर्गत गुस्सा गर्मी रहती है, लेकिन फिर आपस में प्यार आ जाता है। लेकिन जब दूसरे लोग इसको इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे घर के हों चाहे रिश्तेदार हों, फिर बातों को बढ़ा चढ़ा के जिस प्रकार से मोड़ दिया जाता है, उसका जो अंजाम बहुत गंदा होता है, जो कि हम देख ही रहे हैं हमारे परेतिन का और हमारे अंकुश अग्निहोत्री छोटकन्ने जिज्जा जी का। और अगर आपको देखना है तो आप जब इनके वीडियोस देखोगे ना पुराने वाले, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि हंसता खिलखिलाता कपल इस लेवल तक पहुंच जाएगा। और इस लेवल तक की बातें हमारी छोटकन्नी जिज्जी, जो इतना ज़्यादा प्यार दुलार करती थी, अंकुश जिज्जा के बाल की तारीफ हमारी जिज्जी खूब किया करती थी, आज एकदम से एक वीडियो मेरी आंखों के सामने तैर गया तो तारीफें हो रही थी बालों की। हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे, पर कुछ चीज़ें ऐसी आईं और कुछ मोड़ ऐसे आए जहाँ पे संभाल नहीं पाई और सब कुछ उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई परेतिन बस ये चाहती है कि उसके बच्चे को सब इंटरटेन करें और वो ऐसी है ऐसी है, इस प्रकार के कमेंट बग्गी के वीडियो में अभी भी हैं। तो ये कमेंट भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब बग्गा ने कंट्रोवर्सी कराने के लिए रख दिया है। अब अगर दोनों हस्बैंड मतलब हस्बैंड वाइफ अभी ये जा रहे हो तो इस प्रकार के कमेंट यहाँ पे रखने की क्या ज़रूरत है। कि सी जस्ट वॉन्ट सिद्धार्थ गेट अटेंशन फ्रॉम एवरी वन, हैं इसलिए वो ऐसा कर रही, वन डे यू विल हैव बेबीज तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा फलना ढिमका, जो टॉप पे कमेंट है। अगर वो ऐसा चाह भी रही है कि बच्चे यार किसको बच्चे प्यारे नहीं होते, पड़ोसियों तक के होते हैं तो घर वालों को तो होते ही होते हैं, तो ये गलत इंटेंशन के साथ लिखा गया है। और ये हमारे बग्गा बग्गी के ट्रू सब्सक्राइबर हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें किसी ने भी लिखी हों, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इस प्रकार के कमेंट रखे क्यों गए, क्योंकि बग्गा बग्गी तो डिलीट कर देते हैं। अब जहाँ पर एक तरफ भले ये जो जिस भी बेस पे सारी चीज़ें अभी ठीक हुई हैं, अब इस प्रकार की बातें होंगी तो फिर से वही सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े मुँह फुलवर होगा, फिर से आपकी बीवी को टारगेट किया जाएगा। तो क्या आप यही चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कमेंट को कौन सा कमेंट अप्रूव करना है, कौन से कमेंट को डिलीट करना है, ये बग्गा के उसमें होता है हाथ में। लेकिन इस प्रकार के कमेंट अगर तुम रख रहे हो सकता है तुम अभी पहुँच गए हो, जो कि हमें पता है पहुँच गए होगे, लेकिन कभी अच्छी बात भी कर लेते कि उनके घर में ये लड़ाई दिलवा रही हो। शर्म करो यार आप, किसी ने लिखा है।
हर कोई सोचता उसके बेबी को सबका प्यार मिले। अगर परेतिन ऐसा सोच रही होगी, इसमें गलत क्या है? सच बात है, मुझे भी इसमें कोई गलत नहीं बात लगी कि अगर वो चाह रही है कि बग्गी से प्यार मिले, बग्गा से, जो कि मिल भी रहा है। बग्गे ने बताया भी था कि बग्गी का और सिड का क्या बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं। बच्चे वाला माइंड हमारी बग्गी के पास भी है, तभी तो बग्गा उसको आराम से अपनी बातें मनवा लेता है और मम्मी जी खुश रहती हैं। मेरी भोली भाली बहुरिया जो हमको मिली है, इसमें ऐसा ही भोलापन हरदम बरकरार रहे, मम्मी जी ऐसा बोलती हैं, है ना? तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई ज़्यादा दिमाग उस तरीके का ना लगाता हो। और अगर बग्गी लगाना भी चाहेगी तो भी नहीं लगा पाएगी, क्योंकि बग्गा बग्गा है सामने। बग्गी कितनी भी चीज़ें करना चाहे लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती हैं। उसके बाद भाई बग्गा बीमार उमार कुछ लाचार दिख रहा था, हो सकता कुछ ज़्यादा खर्च हो गया होगा तो उसकी किडनी में दर्द हो रहा होगा। बग्गी जाती है उनके भी रिस्पांस लेने, तो सोनी लग रही, दो चार शब्द बग्गा बोलता है। मम्मी जी हालांकि ऑफ कैमरा देख चुकी थी, लेकिन बग्गी ऑन कैमरा भी उनका रिएक्शन लेने के लिए जाती है। मम्मी जी भैया अच्छा अच्छा बोल देती हैं। उसके बाद ये सारा दुनिया जहान होने के बाद भाई बग्गी बैठती है कोना पकड़ के। आज का दिन ऐसा रहा वैसा रहा, औसम रहा पूरा। जितना दिन अच्छा था उससे अच्छा शाम हो गई है, कितनी बढ़िया हवा चल रही, सुहावना मौसम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि बग्गी ने अगर 22 साल की एज में शादी कर ली तो अपनी स्टडी कंप्लीट करे। स्टडी को लेकर बग्गी ने अभी तक अपना कोई वीडियो शेयर नहीं किया, हालांकि बोली ज़रूर थी, मैं शेयर करूँगी। इनका कहना है यही तो औरतों की कमज़ोरी होती है, बस उनको सजना ही पसंद है, जीवन में कुछ करने का मन नहीं करना होना चाहिए। पढ़ना लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वरना सारी उम्र बस कपड़े चेंज और गहने चेंज करती रह जाओगी, सैंडल सूट सब यही लगा रह जाता है औरतें। किसी ने लिखा यू आर राइट, और कुछ लोगों ने सराहना भी करी कि औरत दोनों चीज़ कर सकती है, ससवर भी कर सकती है और श्रृंगार भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। और इनका कहना कि औरत हो कि एक औरत का सपोर्ट करो। लेकिन बाकी लोगों ने कहा है जिसने छोटी एज में शादी कर ली हो, आगे पढ़ाई नहीं की, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। 25 की एज छोटी नहीं होती, 20-21 की होती तो कब से कितनी औरतों ने शादी करी है कम एज में। अभी ये 25 की है, बग्गी ने बोला था वो 22-23 की है, और यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं। मेरा 25 साल की एज में शादी हुआ था, 18 की थी तभी हो गया था, मैरिज हुआ था। 8 साल से हो गए हैं अब शादी के। अपने ससुराल से 12th के बाद ग्रेजुएशन और पीजी किया है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया है, सब कुछ हैंडल किया है यहाँ पर ससुराल में रहते रहते ही, पर वो नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि दुपट्टा का मन नहीं लगता, बस उसको शादी करना ही उद्देश्य रहा होगा। किसी ने लिखा आर यू मैड, देखो ये दुपट्टा की लाइफ है, आप सजेशन दे सकते हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो वही डिसाइड करेगी कि उसको अब ये शादी के बाद उसको सिर्फ ब्लॉगिंग ही करनी, यहाँ से वहाँ घूमना, लाइफ का आनंद लेना है। वैसे उसका एक सूत्री कार्यक्रम यही है, उसको पढ़ाई लिखाई में अब कुछ मतलब नहीं है। और उसने बोला ज़रूर था कि बहुत जल्द मैं इसके बारे में ब्लॉग बनाऊँगी। लोगों ने जब पूछा था स्टडी को लेकर कि आपको नौकरी करनी चाहिए, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, जैसे टिकटॉक का टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया है, ऐसे ये भी जा सकता है, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रही हो, चला जाएगा तो क्या करोगे? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर पति साहब के पास भी कुछ ऐसा है नहीं जिससे वो आपको सपोर्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट मिलते नहीं हैं। हाँ काम किया जा सकता है, क्योंकि जब तक इंसान के दो हाथ पैर हैं, और पैसा तो यूट्यूब से अर्न हो ही रहा, कोई बिजनेस बग्गा कर सकता है। लेकिन अगर तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, किसी ने कल देखा नहीं है, लोग एडवाइस कर रहे हैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा डिसीजन है। क्योंकि लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं, आप हर किसी की डिसीजन भी नहीं मान सकते हो, हर किसी का अपना कुछ प्लान होगा, उसके हिसाब से तुम्हें जो करना है वो करोगी। तो इसमें तो मैं किसी को नहीं बोल सकती। किसी को लग रहा है ओ भाई भाभी और ननंद की जोड़ी ज़बरदस्त, लेकिन कब तक, कहाँ पता कौन सी चीज़ हमारी दीदी को, इंडिपेंडेंट जिज्जी को बुरी लग जाए भाभी की, कौन सा स्टेटमेंट आग लगा जाए, कौन सी ऐसी बात जिस पे हमारी दीदी एकदम आग बबूला हो जाए,
ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप और परितिन दोनों औसम लग रहे हो, ऐसे ही तैयार होके दोनों लोग वीडियो बनाया करो। तुम दोनों लोग ब्यूटीफुल हो, ये सारी चीज़ें हमेशा करा करो, लड़ाई मत किया करो, साथ में मस्त लगती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, नेगेटिविटी से दूर रहो, जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं परितिन से रिलेटेड ऊपर ध्यान मत दो। आप परितिन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। ओह माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड। परितिन टुडे लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस, हाय हाय। तो भाई जो लोग ये कह रहे थे कि ये कब तक चलने वाला है, तो शायद हमारी बग्गी ने बताया था कि एक साल तक चूड़ा बदलने की रस्म चलती रहती है। अब कुछ लोग एक दो चूड़म पूरा निकाल देते हैं एक साल, अब कुछ लोग सोचते हैं 2-3 महीना बाद हम बदलेंगे। अब जिनके पास रोकड़ा है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो एक दो चूड़ा में वो पूरा साल चला देते हैं, ऐसा इनके यहाँ रस्म होती है जो कि लोगों ने लिखा है। कितनी बार ये चेंज किया गया है, कल्चर के बारे में हमको जानकारी नहीं इसलिए हम कुछ पता नहीं, 3 या 5 बार। हाँ जी, तो ऐसा कुछ होता है 3 या 5 बार, तो मैं भी ये 5 बार करेंगी और अब तो होने ही वाला है दिसंबर में भी, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये आखिरी वाला होगा। 3-4-5 बार तो हमने देख ही लिया, 4 बार तो हमने देख ही लिया, हो सकता है एक बार और करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप सबको इस बारे में क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बस मैं जाते जाते बग्गा बग्गी से यही कहना चाहूँगी कि अपने कमेंट सेक्शन पर ध्यान दीजिए, हमारी परितिन जी को कोई भी बात हर्ट हो सकती है। और जिसने अंकुश अग्निहोत्री का वो वाला वीडियो नहीं देखा है, जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, एक बार जाके देखिएगा, आंखों का काला पट्टी हटा के थोड़ा सा ह्यूमन बन जाइएगा, उसके बाद अपना कुछ भी लिखिएगा पढ़िएगा, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कर दीजिए लाइक, हो सकता है शाम को आप मिल जाए आपको वेलकम वीडियो, बग्गा और बग्गी का वेलकम, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो हमारी दीदी का ही आएगा। दीदी ने इतना खर्चा जो किया है और दीदी ने इतनी सारी ग्रोसरी दो दो मेड्स किस लिए लगवाई हैं, तो उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब भी तो दीदी रखेगी, तो इस हिसाब से अब प्रायोरिटी मिलेगी कि किसका वीडियो पहले आएगा किसका वीडियो बाद में। वैसे भी हमारी दीदी के ना, हमारी जो झूठ की दीवानी है, उनके हाल इस समय बहुत ज़्यादा बेहाल हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी जिज्जी के ही वीडियोस को मिलेगी, और वेलकम वीडियो आपको शाम तक रात तक मिल सकता है, क्योंकि आज अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है, कल का हो सकता है रिकॉर्डेड, कुछ तैयारी व्यारी वाला रखा हो तो आ जाए, तो परसों भी मिल सकता है आपको। कई दिन सेम डे अपलोड कर देती हैं, कई दिन भाई 1-2 दिन बाद भी करती हैं, डिपेंड करता है कुछ पुराना माल पानी पड़ा तो नहीं है तो उसके बाद। खैर, बोलना ज़रूरी होता है एक पॉइंट पर आकर। कल दीदी ने जो 18 मिनट का वीडियो डाला था, तो 18-19 मिनट के आसपास है, मात्र 7,000 लोगों ने देखा, उससे पहले मात्र 8,800 लोगों ने देखा, उससे पहले 11,000, आए दैया रे दैया, सब्सक्राइबर 6 लाख हुए वाले हैं। कुछ कहना चाहेंगे बोल दीजिए, 13,000, 12,000, 10,000, 7,000, 8,000, कुछ कहना है तो थोड़ा बोल दीजिए। नहीं नहीं बोल दीजिए 2 शब्द दीदी के लिए। बड़का यूट्यूबर देखते रे, घमंड की हालत क्या हो गई बड़का यूट्यूबर, इसको प्रमोट नहीं करूँगी, उसको नहीं करूँगी, हैं देख लो आज कहाँ से कहाँ आ गई। इसीलिए कहते हैं ज़मीन में उड़ने का नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।